आपको हैमर मशीन चलाने की इस पर कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल अपना पाइप लिया, इस तरीके से आपने पाइप को दीवार में लगा दिया और आपने देखा यहाँ पे इसने ये 90 डिग्री की कटिंग करी जो कि और मशीन्स नहीं कर पाती हैं। नमस्ते एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं अपने इलेक्ट्रीशियंस और प्लम्बर भाइयों के लिए लेकर आया हूँ YI किंग ब्रांड का वॉल चीजर मशीन, यानी कि झिरी काटने वाला मशीन। ये एक BMC बॉक्स के अंदर पैक है। सबसे पहले हम इस मशीन को निकालेंगे और आपको बताएंगे कि ये मशीन कैसे आपके काम को आसान कर सकती है। बॉक्स में क्या मिलता है? सबसे पहले हमें एक ये पानी चलाने के लिए पंप मिलता है, एक पाइप मिलता है, उसके बाद ये आता है मशीन का यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड कि मशीन कैसे ऑपरेट होती है, ये वैक्यूम क्लीनर का अटैचमेंट आता है, उसके बाद ये रहा हमारा फाइनली वॉल चीजर मशीन। बेसिकली इस मशीन का काम क्या होता है, जब हमारे घर की कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है तो पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की अंडरग्राउंड फिटिंग होती है, वो टाइम पे ये मशीन का यूज होता है। ट्रेडिशनली जो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियंस भाई हो गए वो क्या करते हैं, हथौड़ी और छेनी से दीवार पे चोट मारकर झिरी बनाते हैं, या फिर एक नॉर्मल 4 इंची वाला ग्राइंडर लेते हैं और दीवार को 3 से 4 बार काटते हैं, फिर हथौड़ी और छेनी लगाते हैं। उससे होता क्या है कि सबसे पहले उनका बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगती है, उसके साथ साथ जो अगर मान लो दीवार मोटी है तो कोई बात नहीं, 4 इंची की दीवार है, आप उस पर झिरी काटने के लिए चोट मारोगे तो दीवार भी कमज़ोर होती है। तो उसका सॉल्यूशन YI किंग कंपनी का ये वॉल चीजर मशीन लेकर आया है। अब मैं आपसे बात करूंगा ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। ब्रांड का नाम है YI किंग और इसका मॉडल नंबर है YMC133A। 220 वॉट के इजीली करंट पर आराम से चलता है ये। 5800 वॉट के इसके अंदर कॉपर का मोटर लगा रहता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटर होता है और ये 1 मिनट में 7000 राउंड पर मिनट की स्पीड से काम करता है और ये एक बार में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इंची गहरी 2 इंची चौड़ी झिरी काट सकता है। अब हम बात करेंगे मशीन कैसे ऑपरेट होती है, क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले ये इस मशीन में 1, 2, 3, 4, 5 ब्लेड लगे आए हैं और आप इसके अंदर 2 ब्लेड एक्स्ट्रा एड ऑन और कर सकते हैं, यानी कि 7 ब्लेड लगा के आप ये मशीन को इजीली चला सकते हैं। यहाँ पे आपको एक गार्ड मिलता है, ये गार्ड का काम क्या होता है, आप इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो। जब मान लेते हैं आप किसी ऐसी जगह पर झिरी काट रहे हो जहाँ पे स्लैब आ गया या आपको 90 डिग्री पे झिरी कट करना है तो ये 90 डिग्री पे झिरी आराम से कट कर सकती है और इन ब्लेड्स को कम और ज़्यादा करके आप इसकी चौड़ाई को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको गेज दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डेप्थ गेज। इसको आप यहाँ पे हमें पीछे की साइड एक बोल्ट मिलता है, इस बोल्ट से इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मशीन में आप वैक्यूम क्लीनर भी ऐड कर सकते हो, वैक्यूम क्लीनर का अटैचमेंट साथ में आता है जिसको आप इस तरीके से लगा सकते हो। और ये कवर इसलिए दे रखा है कि आप जब बिना वैक्यूम क्लीनर के झिरी काटो तो डस्ट बाहर नहीं आए। यहाँ से हम इसके ब्लेड्स बदलते हैं, अभी हम आपको चेंज करके भी दिखाएंगे। और ये एक हमें ऑक्सिलरी हैंडल मिलता है जिसको हम अपने काम की पोजीशन के अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं, ऊपर या नीचे की ओर। एंड ये रहा मशीन का, और ये मशीन का ऑन ऑफ स्विच मिलता है। हैवी ड्यूटी मशीन है, आप अचानक से ना चलाओ, कोई नुकसान ना हो, तो यहाँ पे डबल लॉक सिस्टम मिलता है। जब आप इस बटन को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तभी ये मशीन काम करेगी, और अगर आपको रेगुलर चलाना है तो इस लॉक को आप ऊपर की तरफ करेंगे तो आपकी मशीन रेगुलर चलती रहेगी। और सिंपल इस तरीके से ऐसे आप नीचे करोगे तो मशीन आपकी ऑफ हो जाएगी। और जो मशीन्स के कार्बन होते हैं, मशीन्स के कार्बन आप बाहर से इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन मिलता है, आप इस बटन को प्रेस करके मशीन की डायरेक्शन को किसी भी साइड में अपने काम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जिससे होता क्या है कि आपको ऐसे झिरी काटना है तो आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे झिरी काटना है तो आप इसको ए साइड में सेट कर सकते हैं। और इसके साथ में हमें 3 से 4 मीटर का एक अच्छा कोर्ड वायर मिलता है। और ये मशीन से झिरी डालने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है, आप सिंपल इस मशीन को इस तरीके से अपनी दीवार पे चलाएंगे और जितना जैसे जैसे आप मशीन दीवार पे चलाओगे ये पूरी डायरेक्टली झिरी निकाल देगी, आपको हैमर मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं है, जिसका मैं अभी आपको डेमो दिखाऊंगा। हमें एसेसरीज में क्या मिलता है, ये जो मैंने आपको पंप और ये पाइप दिखाया था, यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 से 4 मीटर का पाइप आता है। ये जो पाइप होता है ये इस पंप में कनेक्ट हो जाएगा और हम इसको बहुत ही आसानी से इस तरीके से पंप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा ये कनेक्ट हो गया। और इसका जो हमें ये दूसरा सिरा मिलता है, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि ये मशीन में पानी चलाने के लिए पूरी फिटिंग दे रखी है, जिसको हम इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। अभी इसकी टेस्टिंग में आपको दिखाएंगे ये पंप कैसे काम करता है। मशीन का यूज़र मैनुअल आता है कि आप मशीन को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं,
और ये हमें कुछ इसके टूल्स मिलते हैं, जैसे कि ये स्पैनर हो गया और एलन की हो गई, और साथ में हमें ये दो एडिशनल वॉशर एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब ये मशीन के अंदर मैं आपको ब्लेड्स निकालना और लगाना बताऊंगा, और इस मशीन के अंदर आप 133 mm का कोई भी दीवार काटने वाला, ग्रेनाइट काटने वाला ब्लेड लगा सकते हो। और ये मशीन इतनी पावरफुल है, जब आप इससे कटिंग करोगे तो इवन बीच में सरिया भी आ जाएगा, तो ये वो सरिये को भी आराम से कट कर सकती है। अभी हम देखेंगे कि इसमें ब्लेड लगाना कितना सिंपल है और इसकी डेप्थ को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये गार्ड मिलता है, इस गार्ड को हम हटाएंगे। साथ में हमें कंपनी की तरफ से एक स्पैनर मिलता है, एक एलन की मिलता है। आप इसको इस तरीके से इजीली, ये बोल्ट आता है, ये बोल्ट को निकालकर सिंपल अपने ब्लेड्स को कुछ इस तरीके से आप ब्लेड को निकाल सकते हो और लगा सकते हो। और इसी तरीके से आपको मान लो इसकी चौड़ाई कम करनी है, तो आप अपनी चौड़ाई के अकॉर्डिंग ब्लेड्स को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, एंड सिंपल इसी तरीके से इसको लगा भी सकते हैं। हमने ब्लेड लगाया मशीन में, उसके बाद हमने वॉशर लगाया, वॉशर लगाने के बाद हमने ये वाला वॉशर लगाया, उसके बाद जो हमें इसके ऊपर का कैप मिलता है ये कैप लगाया, और सिंपल जिस तरीके से हमने इसे लगाया था उसी तरीके से हम इसको टाइट भी कर देंगे। कैप लगाने के बाद सिंपल आपने ये वॉशर लगाया, और इसी तरीके से आप इसको टाइट भी कर देंगे। ये मशीन अभी हमारी बिल्कुल रेडी फॉर यूज़ है, मैंने आपको ब्लेड लगाकर भी बताया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डेप्थ को यानी कि गहराई को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो स्पैनर के अंदर ही हमें एक और की मिलती है कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पे ये बोल्ट है, आप इस बोल्ट को खोल सकते हैं, और बोल्ट खोलने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ से इसकी डेप्थ को एडजस्ट कर सकते हैं कम और ज़्यादा अपने काम के अकॉर्डिंग। अब बारी है इस मशीन की टेस्टिंग की। जैसे कि ये मेरे पास अभी पाइप है, ये पाइप को मैं दीवार में फिट करके बताऊंगा कि ये किस तरीके से पाइप को फिट कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको मशीन ऑन करके दिखाऊंगा, फिर इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे, फिर आपसे बात करेंगे कि आप ये मशीन कैसे खरीद सकते हैं। देखिए मशीन को चलाना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसको इस तरीके से पुश करोगे तो भी ये नहीं चलेगी। यहाँ पे आपको डबल सेफ्टी का फंक्शन मिलता है, जब आप इस वाले बटन को ऊपर की तरफ मूव करोगे तो आपकी मशीन कुछ इस तरीके से चलने लगेगी। और अब आपको इस मशीन से मैं प्रैक्टिकली झिरी काट के दिखाऊंगा कि ये मशीन काम करती है या नहीं करती है, आपको ये मशीन खरीदनी चाहिए और नहीं खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले ये पंप को कनेक्ट करके हम बाल्टी में डाल देते हैं, और बाल्टी में डालने के बाद पंप चलने लगा। देखिए इसने बहुत ही आसानी के साथ झिरी कट कर दी, और सबसे बड़ी बात, आपको हैमर मशीन चलाने की इस पर कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल अपना पाइप लिया, इस तरीके से आपने पाइप को दीवार में लगा दिया, और ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिसिटी लाइन की फिटिंग। और अब मैं आपको ये जो 90 डिग्री पे काम कैसे करती है उसकी टेस्टिंग दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके गेज को खोल लेते हैं, और गेज को खोलने के बाद अभी हम दिखाएंगे कि ये 90 डिग्री पे कटिंग कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो देखिए मशीन हमारी रेडी फॉर यूज है। और यहाँ आपने देखा, यहाँ पे इसने ये 90 डिग्री की कटिंग करी, जो कि और मशीन्स नहीं कर पाती हैं। फिर अगेन बोलूँगा, हैमर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक मशीन लेके इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का काम होगा बहुत आसान। अभी आपने इस मशीन की टेस्टिंग देखी कि कितने आसानी के साथ दीवार में झिरी काटी, और ये पाइप को मैंने आपको लगा कर दिखाया, और मैंने आपको बताया
कि इसका ये जो 90 डिग्री वाला फंक्शन है, ये 90 डिग्री वाला फंक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि जो काम हम 10 घंटे में कर रहे हैं वो काम ये मशीन एक घंटे में करेगी। जहाँ हमारी 10 घंटे की मेहनत लग रही है वहाँ ना के बराबर मेहनत लगेगी और ये मशीन सारा काम करेगी। तो जो प्लम्बर्स भाई और इलेक्ट्रिशियंस भाई हो गए उनके लिए तो ये मशीन एक जीता जागता वरदान है। अब मैं आपसे बात करूंगा आप इस मशीन को खरीद कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया, नेपाल, भूटान होम डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।